ये लाइव स्कोर बताया जाता है, लाइव प्रसारण दिखाई जा रही है यूट्यूब के माध्यम के द्वारा। बायस पटेल चैनल पर ये लाइव प्रसारण एपीएल सीजन टू। और काफी बढ़िया प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों का और काफी बड़ा आयोजन किया गया है। कन्नू भाई भरवाड़ तरफ से आपकी आ टूर्नामेंट ने, कन्नू भाई भरवाड़ तरफ से आपड़ा टूर्नामेंट ने 5,000 रुपया भेट मड़ी छे, एमनो खूब खूब आभार। अने स्पोन्सर श्री यज्ञेश भाई टंडेल, टंडेल नेट फिशिंग बिल्ली मोरा, केतन भाई पटेल, नितिन भाई धूमकेतु हार्डवेयर, ब्रह्मदेव वलोती, योगेश भाई सरपंच श्री, डेप्यूटी सरपंच श्री भरत भाई पटेल, सभ्य श्री राजू भाई, भरत भाई नायका, कलम भाई, न्यू रोशनी टायर सर्विस तरफथी मैन ऑफ द सीरीज ने साइकिल आपवामां आवी छे, शैलेष भाई पटेल, प्रकाश भाई देसाई, मनीष भाई पटेल, कृषा ट्रावेलर्स वलोती, सतीश भाई साई रथ डीजे, निखिल भाई, उमेश भाई, अजय भाई, मैन ऑफ द मैच फाइनल ना माटे बूट शूज आपवामां आवी छे। अने आ जे टूर्नामेंटना आयोजक एवा हर्षद भाई उर्फ हैरी, एमनो खूब मोटो योगदान छे अने એમણે ખૂબ સંઘર્ષ બાદ આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું હું કમેન્ટ્રી માધ્યમથી અને કમિટી તરફથી અને ઉપસ્થિત આપણા મુખ્ય અતિથિ એવા ગુજરાતી સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ અને શિક્ષક ગણો, એમણે પોતાનો કિંમતી સમય આપણા આ ટુર્નામેન્ટને આપ્યો છે એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર કરું છું હું શબ્દો વટી। और दोनों फाइनल के बल्लेबाज ओपनिंग जोड़ी तेजू और लालू, और मेरे साथी स्कोरर ऑनलाइन स्कोरर मिस्टर हर्षिल भाई और लाइव प्रसारण वाले कंप्यूटर मैन मिस्टर भावेश भाई पटेल, काफी बड़ा नाम है उनका भी ये यूट्यूब लाइव में, और कैमरामैन विपुल भाई, और हमारे दो एम्पायर साहब मिस्टर नितिन भाई और मिस्टर सागर, काफी दूर दूर तक एम्पायरिंग करने के लिए जाते हैं, दोनों ही चौकन्ने एम्पायर है। और जलाशाही की 11 की ओर से पारंपरिक गेंदबाज के रूप में आए हैं मिस्टर पार्थ राठौड़, और उनका सामना करेंगे अंकित हलपति, और नॉर्थ साइड गेंद पे खड़े हैं कप्तान तेजस पटेल, जिसको सब बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है फाइनल की, जलाशाही वर्सेस स्काई वॉकर्स। ये पीएल सीजन टू में से 8 टीमों ने भाग ली थी, उनमें से बेस्ट 2 टीम यहां पर है, उनमें से 2 बेस्ट, 1 टीम थोड़ी क्षणों में बाहर आ जाएगी। अगली गेंद पार की अंकित को, हल्की सी क्लिक की गेंद को सम्मान दिया, कोई रन नहीं। और थोड़ी सी नहीं बहुत ऑफ स्टंप के बाहर से एम्पायर को पसंद नहीं आई, एम्पायर ने वाइड करा दी, इसी वाइड के एक्स्ट्रा रन के साथ खाता खोलता हुआ। अगली गेंद अंकित को, और अब की बार हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, और लगने वाला पहला झटका अंकित के रूप में, अंकित हरपति प्रवलियन का रास्ता नापते हुए पात को पहली सफलता मिली है। जंगल नो राजा के भाई, इन्हीं हमें टक्कर ले वाय ना।
और अब की बार कट लगाई शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से गेंद निकली और चार रनों में तकदीर और इसी चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हवा भी काफी तेज, ग्राउंड भी काफी बढ़िया और फाइनल का नजारा देखने का कुछ मजा ही कुछ और होता है। पार्थ की अगली गेंद सामना करेगी राइट हैंड बल्लेबाज ढमा और अब की बार अच्छी गेंद मिड ऑफ के ऊपर से गेंद खेली, फील्डर वहां पर मौजूद और दो रन चुराने में कामयाब, खराबी तो थी लेकिन 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद पार्थ की सामना करेगी राइट हैंड बल्लेबाज ढमा काफी अच्छा माहौल छाया हुआ है, पूरा सन्नाटा इस ग्राउंड पे मंडरा रहा है, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही है। खुद पवन देव इस मैच का लुप्त उठाने के लिए आए हैं। अगली गेंद बड़ी अपील लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं है, एम्पायर ने अपनी खोपड़ी लाकर नकार दी। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेके आए हैं जेदी धर्मेश अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर, उनका सामना करेंगे कप्तान तेजस। अगली गेंद और अब की बार अच्छी गेंद बड़ी अपील, धर्मेश की अगली गेंद सामना करेगी लेफ्टन बल्लेबाज तेजस। और अब की बार कलाइयों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद वंस और 1 रन से संतुष्ट और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धर्मेश की अगली गेंद सामना करेगी राइट हैंड बल्लेबाज मिस्टर धर्मेश। अब की बार पॉइंट की दिशा में कट कर दी, गेंद लड़खड़ाती बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धर्मेश की अगली गेंद सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज धर्मेश और अब की बार खेलिए पुल कर दी, 1 बाउंस चौका, गलती दोहराई, नजर हती दुर्घटना गति और इसी चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन।
जेडी की अगली गेंद सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज, और अब की बार हेलीकॉप्टर हवा में गेंद फील्डर उनके नीचे, लेकिन खुद पार्थ ने गलती दोहराई और रनआउट होने का भी खतरा था, खतरा तला, एक ही गेंद में दो बार जीवन दान। एक ही गेंद में दो बार जीवन दान। सोने पे सुहागा धर्मिस के लिए। अगली गेंद जेडी की, सामना करेंगे लिप्टन बल्लेबाज कप्तान तेजू। और अब की बार फिर से खेला है गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, लगने वाला दूसरा झटका कप्तान के रूप में तेजू को प्रवेलियन का रास्ता नापने पे मजबूर कर दिया है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन दो विकेट के नुकसान पर, 17 पे खतरा बल्लेबाज को। पार्थ की अगली गेंद, पार्थ का सामना करेंगे धर्मेश, पार्थ टू धर्मेश। ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है वलोती में आदिवासी प्रीमियर लीग सीजन 2। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर आई, उंगलियों की करामत दिखाई, उंगलियों की करामत से चकमा दिया, डॉट के रूप में रही गेंद। अगली गेंद पार्थ की, और अब की बार कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को ढकेला और 4 रन में तकदील, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर और तीसरा ओवर का भार संभाल रहे हैं खुद कप्तान पार्थ राठौड़। पार्थ की अगली गेंद सामना करेगी धर्मेश, फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट करते हुए स्क्वायर लेग की खिलाड़ी को अंदर लाया और डिफेंस से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक को बाहर रखा है। और अब की बार हेलीकॉप्टर जड़ों वाली गेंद डाली, उनको लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद साहिल, कोई गलती दोहराई नहीं, और इसी बीच एक रन चुराने में कामयाब और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद पार्थ की, पार्थ का सामना करेगी बंकू, और बड़े हिट लगाने का प्रयास बंकू के द्वारा, लेकिन असफलता मिली। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद पार्थ की, फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, बल्ले पे आ नहीं रही, डॉट के रूप में रही गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ 22। अगली गेंद और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंद अभी भी शेष है, कितने रन और जोड़ेंगे वो तो वक्त तय करेगा, जब तक दमा है तब तक कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहां पर भी रन पहुंच सकते हैं। वन मैन शो दिखाने की ताकत रखते हैं दमा।
चौथा और लेके आए हैं, धर्मेश, धर्मेश का सामना करेंगे धर्मेश। और अब की बार लमेट मारकर खेली है एंड तेज ड्राइव के दिशा में बाहर, छह रनों के लिए, और इसी छह रन के साथ स्कोर में नुआबजा छलांग मारकर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। स्कोर जब तक डमा है तब तक स्कोर की गाड़ी राजधानी बनी रहेगी। और बड़ी अपील लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं, एम्पायर काफी चौकन्ने है, रिजवान की जैसे कर रहे हैं विकेट कीपर, रिजवान की याद दिला रहे हैं। जेडी की अगली गेंद सामना करेगी धमा, धर्मेश तू धमा। और इसी बीच एक रन चुराया, रन आउट होने का खतरा था, डायरेक्ट हिट का प्रयास लेकिन नाकामयाब। अगली गेंद एक रन से संतुष्ट, और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 29 रन ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 विकेट के नुकसान पर, 4 के बाद 30 लॉट्स ऑफ 2। अभी भी आने वाली 12 गेंद से इसे अच्छी गेंदबाजी हेमंत हलपति के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी में प्रदर्शन दिखाई पिछली 2 मैचों से, काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए हेमंत। हेमंत की अगली गेंद सामना करेगी हेमंत उद्धमा, स्लोअर गेंदबाज लपेट खेला है ज्ञान को, हवाई फायर सीमा रेखा पार छक्का, और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33-37। आगे आकर खेलना चाहते थे, चकमा दिया आपकी बार, तेजी से थोड़ी सी आगे गेंद डाली,
आगे गेंद को फेंका और चकमा दिया, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बाकी का काम बखूबी से पूरा किया विकेट कीपर ने। अगली गेंद हेमंत की, सामना करेंगे धर्मेश। और डॉट के रूप में रही गेंद, स्कोर रुका हुआ 37, आने वाली दो गेंद से ऐसे अभी इस ओवर की। और फुल टॉस, गेंद समझ नहीं पाए और बोल्ट, लाजवाब गेंदबाजी। पिछली बार 4 विकेट ली थी सेमीफाइनल में इस गेंदबाज ने, और अब की बार बड़े बल्लेबाज को प्रविलियन का रास्ता नापने पे मजबूर कर दिया है। 33 रन बनाकर प्रविलियन की ओर आगे बढ़ते हुए। अगली गेंद, और अब की बार अच्छी गेंद समझ नहीं पाए, चकमा खाया हुआ हैरी ने। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 लॉट्स ऑफ 3। अभी भी आने वाली 6 गेंद से सही सी इनिंग की। योगेश भाई आया है गेंदबाजी के लिए और आगे आगे खेल ली, फील्डर वावर मौजूद, साहिल कोई गलती दोहराई नहीं, 1 रन से संतोष, तो और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। और मिड ऑन की दिशा में खेला फील्डर, वहां तक पार्थ पहुंचे और थो करे तब तक 1 रन लेने में सफलता, इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। आने वाली 4 गेंद से ऐसे फिर से खेला है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर आगे बढ़ी, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन से संतोष और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आने वाली 3 गेंद से ऐसे और स्ट्राइक पे है हैरी हर्षद भाई, दुआ थार बल्लेबाज में से एक माने जाते हैं वलोती के हर्षद भाई। अच्छी गेंद चकमा खाया, डेरी गति से गेंद को डाली, गति में परिवर्तन करते हुए योगेश भाई। और अब की बार खेलाया गेंद डीपेस मिड विकेट की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44, 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हैरी के बल्ले से निकला चौका गोली की रफ्तार से। अभी आने वाली गेंद से हवा में गेंद हेमंत उर्द के पीछे और लगने वाला चौथा झटका हैरी के रूप में, जीतने के लिए 45 रन बनाने होगी, 45 रन चाहिए जीतने के लिए, 36 गेंदों में 45 रन बनाने होंगे। और पताखों की बरसात ग्राउंड के ऊपर, डीजे की आवाज सुनाई नहीं रही।
ની સર अगली गेंद हैरी की अच्छी सोच लेकिन लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर को पसंद नहीं आई, एम्पायर ने व्हाइट करा रही और सी व्हाइट के साथ स्कोर खाता खोला। ये जो साउंड सिस्टम है, ये जो डीजे है साई रथ डीजे के ऑनर सतीश भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेज पे अपना स्थान ले लीजिए सतीश भाई। हैरी की अगली गेंद सामना करेगी ऑरेंज कैप के हकदार पार्थ। अब की बार उछल कर खेली, फील्डर वहां पर मौजूद, खराब फील्डिंग का नतीजा सिर्फ एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन। अगली गेंद हैरी की, हैरी का सामना करेगी डिंकू। काफी ऑफ स्टंप के बाहर एम्पायर मुड़े व्हाइट, एम्पायर ने लंबे लंबे हाथ फैला दिए, व्हाइट करा दिए और इसी व्हाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
तीन रन। और इसी के साथ स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच कैन को खिलाफ फील्डर वहां पर मौजूद है, इसी बीच एक रन चुराने में कामयाब और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार रन बिना विकेट के नुकसान पर। हैरी की अगली गेंद, हैरी का सामना करेंगे धुआंधार ऑरेंज कैप के हकदार पार्थ। और शॉट इज फाइन लेग की दिशा में, हवा में गेंद थी, कोई लपक नहीं पाए, इस एक रन चुराने में कामयाब और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पांच रन बिना विकेट के नुकसान पर। पूरा ग्राउंड पर ये फाइनल चल रहा है और छन्नाटा छाया हुआ है, जो जीतेगा वो चमक धमकती हुई बड़ी ट्रॉफी की हकदार बनेगी। फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, उनको दिशा दिखाई और चार रनों में धकेला और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नौ रन। गेंद हैरी की, हैरी टू दिंकू, और अब की बार फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन नतीजा वो नहीं मिला। डॉट के रूप में रहेगा ना स्कोर, अभी भी रुका हुआ नौ, पहला ओवर प्रगति पर जा रही है। अगली गेंद हैरी की, हैरी का सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज डिंकू। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद खेली डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों में तकलील और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेरह रन एक ओवर की समाप्ति के बाद, एक के बाद तेरह बिना विकेट के नुकसान पर। झलासाई इलेवन अंकित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपनी कोटि का पहला और टीम का दूसरा, और उनका सामना करेंगे धुआंधार बल्लेबाज पार्थ। हल्के से दिशा दिखाई सिर्फ गेंद को, शॉट इज थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन से संतोष और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौदह रन। और कवर की दिशा से गेंद को खेलाए, कट की, एक रन से संतोष और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पंद्रह रन। अगली गेंद और अब की बार उछाल कर खेली गेंद डीप मिड विकेट के दिशा में, एक रन से संतोष पार्थ, इक्की दुक्की से खेल रहे, अब जानते हैं उस पे ही पूरा मैच कारोबार दिया है, उसके कंधों पे ही ये पूरा मैच चल रहा है, तो वो सोच और समझ कर ये बल्लेबाजी करते हैं। अंकित की अगली गेंद सामना करेगी डिंकू। अब की बार दिशा दिखाई और शॉटेज थर्ड मैन की दिशा से गेंद को ढकेली और चार रनों में तकलील और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बीस रन। सरपंच जी का पल्ला थोड़ा सा भारी होता हुआ। अगली गेंद और एम्पायर ने नो बॉल करा दी और चार रन यानी
पांच रन गिने जाएगी, इसी पांच रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। हवा में बमों की बारिश होते हुए अगली गेंद अंकित की, और सभी नो बॉल का फ्री रखा गया है इस टूर्नामेंट में। बोल्ट हुए थे लेकिन फ्री थे तो मिलेगा नहीं, आशीर्वाद के रूप में ये जीवनदान मिला है। और अब की बार बोल्ट, एक बार आशीर्वाद काम आता है लगातार नहीं। घोड़ा क्या घोड़ा, पिच के स्टाइल। पच्चीस रन पे लगने वाला पहला झटका डिंकू के रूप में 32 ओवर की समाप्ति के बाद। अगली गेंद हर्षद की, हर्षद का सामना है, हर्षद उर्फ हैरी इस टूर्नामेंट के आयोजक, मुख्य आयोजक हैरी है, गेंदबाजी करने के लिए आए, उनका सामना करेंगे पार्थ। और लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों में, और इसी चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29 रन। इधर उधर किधर से भी बमों की बरसात हो रही है इस ग्राउंड पर। और अब की बार फिर से खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, और लगने वाला दूसरा झटका पार्थ के रूप में, बड़ी मछली को जाल में फंसाए, स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 रन। जा रहे एक के ऊपर हैरी का सामना करेंगे हैरी टू अश्विन। कलाइयों का इस्तेमाल किया, चकमा दिया गेंद, आने वाले 2 गेंद से इसे अभी भी इस ओवर की। खराब गेंद, शॉर्ट स्पाइन लेग की दिशा में खेला गया, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन से संतोष, इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन।
जीतने के लिए सिर्फ 14 रनों की जरूरत, 19 गेंद 14 रन चाहिए जीतने के लिए। शॉर्टेस्ट थर्ड मैन के लिए समय गेंद गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, आने वाली 18 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है, 18 गेंद 14 रन चाहिए जीतने के लिए। और इसी बीच एक रन लेने में सफलता, इसी दो रन लेने में सफलता, इसी दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 33 रन, आने वाले 17 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। हल्के से क्लिक किया, एक रन के लिए दौड़े और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, आने वाली 16 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है फाइनल मैच को जीतने के लिए। और आदिवासी प्रीमियर लीग सीजन 2 के हकदार चैंपियन बनने के लिए शॉर्टेस्ट फाइनल की दिशा में गेंद को खेला है, एक रन चुराने, दूसरे रन की कोशिश और दो रन चुराने में कामयाब, इसी दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 36, आने वाली 15 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। आने वाली 15 गेंद 9 रन चाहिए जीतने के लिए। अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए कि और एम्पायर ने व्हाइट करा दी और इसी व्हाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, जीतने के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत, 14 गेंद 8 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से उछाल कर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है और खराब फील्डिंग की नतीजे की वजह से 2 रन चुराया, तीसरे रन की प्रयास होगी मेरे ख्याल से लेकिन नहीं की, और इसी 2 रन के साथ जीतने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत है, 13 गेंद 6 रन चाहिए जीतने के लिए। और अब की बार उछाल का खेला, फील्डर वहां पर मौजूद और विकेट लगने वाला तीसरा झटका एक एक के रूप में। आने वाली 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत, 12 गेंद 6 रन चाहिए जीतने के लिए। और कप्तान साहब किसके कंधों पे देते हैं जिम्मेदारी, खुद ऑनर के कंधों पे दी है जिम्मेदारी कप्तान तेजू ने, क्या उनपे उनके विश्वास पे खरे आएंगे या नहीं वो देखते हैं। हल्के से क्लिक कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद जगदीश काका, काफी चौकन्ने जॉन्टी रॉस की जैसे फील्डिंग करते हैं, 15 फुट इधर और 15 फुट उधर उनका इलाका होता है। अगली गेंद हल्के से क्लिक किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, एक रन से संतुष्ट और इसी एक रन के साथ जीतने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत, 5 रन चाहिए जीतने के लिए।
हल्के से क्लिक किया है, पॉइंट और कवर के बीच से फील्डर वहां पर चौकन्ने, फिर भी एक रन से नहीं रोक पाएंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। जीतने के लिए सिर्फ चार रनों की जरूरत, चार रन चाहिए जीतने के लिए। हल्के से फिर से क्लिक कर दिया, वही दिशा में वही नतीजा और वही रन मिलेंगे और इसी एक रन के साथ सिर्फ तीन रन चाहिए जीतने के लिए। और बाई का एक एक रन, यानी जीतने के लिए सिर्फ दो रनों की जरूरत, 60 गेंद, दो रन चाहिए जीतने के लिए। बमों की बरसात होती हुई वलौती में, फुल टॉस उनको खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन और ये मैच जीत लिए जलासा इलेवन ने।